हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर सो आज है डे 224 हंड्रेड ट्वेंटी फोर डेली फार्मेसी की डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 50 एम सी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो पहला क्वेश्चन है हाउ मनी फेशियल बोन्स डज द कल प्रस सो so, जो हमारा स्कल पार्ट रहता है उसमें कितनी फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती हैं तो so, इसमें टोटल फोटीन स्कल बोन्स फेशियल बोन्स जो होती है होती हैं तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट सबसे बड़ा पार्ट कौन सा रहता है दिस पार्ट इज़ सेरेब्रम सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस विच सेपरेट्स अरेकनोइड मैटर एंड ड्यूरा मेटर इज अरेकनोइड मैटर जो कि आपकी मिडल लेयर रहती है और ड्यूरा uh, मैटर इन दोनों का बीच का जो स्पेस रहता है दैट स्पेस इज नोन एज सब डूरल स्पेस सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ईई जी इज़ यूटिलाइज टू डाइग्नोस द डिजीजेज असोशिएटेड विद सो ई जी क्या होता है इट इज़ एलेक्ट्रो एंड इट इज इलेक्ट्रो एनसेफ्लोग्राम एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्रेन सो इसमें आपका ऑप्शन डी एज करेक्ट इसके अलावा एक आता है आपके टर्म ई सी जी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि आपका हार्ट के साथ रिलेटेड रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई सल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन कोजेस जो डाई सल्फिराम ड्रग इंटरेक्शन हैं देख इन कोज तो so, डिफरेंट इफेक्ट्स इसमें आ सकते हैं

बिकॉज तो टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन को खाना खाने के एक घंटा पहले या एक घंटा बाद जो है दिया जाता है इसके पीछे का रीज़न क्या है सो द रीज़न इज़ कि प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक रिड्यूस द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ठीक है अगर स्टमक uh, में ऑलरेडी फूड होगा तो फूड की प्रेजेंस की वजह से इस ड्रग की ऑब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी सो so, इसमें आपका ऑप्शन एज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेटेड इज सो इन आपका पेप्टीगल्सर में यूज़ होने वाला ड्रग है एंड इट इज़ अ एच टू इंटागोनिस्ट सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्ज़ाम्पल ऑफ सल्फोनल यूरिया इज़ सल्फोनल यूरिया का एग्ज़ाम्पल बताना है सो सल्फोनल यूरिया आपका डायबिटीज़ में यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं एंड इसमें आपका एग्ज़ाम्पल रहेगा टॉलब्यूटामाइड तो so ये आपका फर्स्ट जनरेशन सल्फोनल यूरिया होता है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेटाइल सेलिसाइलिक एसिड इज एसिटाइल सेलिस एसिड इज नॉन स्टूडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड ये एस्पिरिन का नदर नाम है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरप्रोमोजिन इज एन एंटी साइकोटिक ड्रग प्रोजेसिंग सो क्लोरप्रोमोजिन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है एंड uh, इसमें फिनोथायाजिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक प्रोजेसिंग द बीटा एक्टम रिंग इज सो कौन सा एंटीबायोटिक है जिसमें बीटाइक्टम रिंग जो है वो प्रजेंट होती है सो दिस वन इज पेनिसिलिन सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्कोटिक एनर्जेसिक इज एक नारकोटिक एनर्जेस्टिक ड्रग इसमें से आइडेंटिफाई करना है रिसर्पिन पापावरिन क्यूनिन मॉर्फिन सो so, मॉर्फिन इज़ अ नारकोटिक एनर्जेस्टिक ड्रग सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ असैड ड्रग ठीक है नसेड नॉन टू एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इनमें से कौन सा है सो so, मॉर्फिन हीरोइन कोडीन डिक्लोफिनेक सो so, डिक्लोफिनेक इज अ अड ड्रग सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ यूज एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो यूज होता है एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट सो दिस ड्रग इज सक्सिनल कोलिन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज एन अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग इनमें से कौन सा ड्रग एक अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग है सो क्लोरम फेनिकोल क्लोरम प्योसिल क्लोर हेक्जिन क्लोर ट्रीमोक्साजोल सो क्लोरम प्योसिल जो है इट इज़ अ अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल अल्कोलॉयड यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज सो गाउट की ट्रीटमेंट में कौन सा नेचुरल अल्कोलोइड यूज किया जाता है सो दिस वन इज़ कोल्चिसिन सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कोज फीटल अब नॉर्मेलिटीज़ इज टर्म डेज सो एक ड्रग जो कि फीटल अब नॉर्मैलिटीज़ कोज कर सकता है सो so, ये क्या प्रोसेस कहलाता है सो दिस वन इज़ टेरेटोजेनिसिटी टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो हैं ये आपके कहलाते हैं आ, ऐसे ड्रग्स के लिए जो कि आपके फीटल अब नॉर्मेलिटीज़ कोज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑर दाइपर सेंसिटिविटी सो एलर्जी जो है ये आपका टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आते हैं सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट प्रोमोट्स डायोरेसिस बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टिर सिंपल है कौन सा एंटी ड्रग uh, है तो कौन सा डायरेटिक ड्रग है जो कि एल्डोस्टिरोन को एंटागोनाइज करता है ठीक so, so, है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग सो दिस वन इज स्पाइरोनोलेक्टोन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा है तो नियोमाइसिन कैनमाइसिन स्टेप्टोमाइसिन अरिथ्रोमाइसिन तो अरिथ्रोमाइसिन ड्रग इज़ अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरॉयड ड्रग एंटी थायरॉयड ड्रग इनमें से कौन सा है सो एंटी थायरॉयड ड्रग सो मेथिमाजोल मैथीमाजोल लिवोथायरॉक्सिन क्लोरप्रोपामाइड सो अमंग दीज ड्रग्स मेथिमाजोल इज अ एंटी थायरॉयड ड्रग सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामेज तो इमिप्रामीन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है तो दिस वन इज डेसीप्रामीन सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हारमोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट इनमें से कौन सा हारमोन इंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है सो ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हारमोन थाइरॉयड स्टिम्युलेटिंग हारमोन या आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हारमोन हैं ऑक्सीटोसिन जो है इट इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द काउंसलर तो जो आपका काउंसलिंग सेशन रहता है उसका सक्सेस जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सो इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर जो भी पर्सन काउंसलिंग सेशन दे रहा है उसके पास कितनी नॉलेज है क्या स्किल है कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग इज़ यूज फॉर सो काउंसलिंग का पहला फेज कौन सा रहता है सो फर्स्ट फेज इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द काउंसलिंग सेशन सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर द बेस्ट साइट्स ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इंसुलिन के सेल्फ इंजेक्शन के लिए बेस्ट साइट कौन सी है सो द बेस्ट साइट इज थाई एंड द एबडोमिन सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो ब्लड शुगर लेवल सो इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या रहते हैं तो इनिशियल सिम्टम्स में स्वेटिंग ट्रेमुलसनेस

नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ स्किल्स कम्युनिकेशन किस टाइप की स्किल है सो इट इज़ अ सॉफ्ट स्किल सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर इन पेशेंट काउंसलिंग इज तो पेशेंट काउंसलिंग में एक अच्छे काउंसलर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं सो द क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर इज़ ही शुड बी अ गुड लिसनर यू शुड बी एम्पेथेटिक ई शुड बी फ्लेक्सीबल तो दीज आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसिलर सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट शुड वी एडवाइज टू रिन्स देअ माउथ विद वाटर आफ्टर इन्हीलेशन ऑफ सो पेशेंट्स को ये एडवाइज़ किया जाता है कि जब भी वो इनहेलेशन यूज़ uh, कर रहे हैं ऑफ uh, कोर्टिकोस्टिरड्स कोटिकोस्टोड्स को इनहेल कर रहे हैं तो उनको वाटर के साथ माउथ को रिंस करना है ताकि जो भी ड्रग आपका थ्रॉट में फंस गया होगा तो वो जो है वो क्लियर आउट हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल पेशेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एटलीस्ट डैश ऑफ एंटी टी ड्रग्स सो जनरली जो पेशेंट्स हैं उनको एंटी टी बी ड्रग्स एंटीटि ड्रग्स जो हैं वो अराउंड सिक्स मंथ्स के लिए जहाँ वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है सिक्स मंथ्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट थेरेपी रहती है सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एड्स एड्स क्या है सो so, एड्स uh, जो है इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशेंसी सिंड्रोम एंड ये एच का लास्ट स्टेज रहता है फाइनल स्टेज ऑफ एच सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ सी ओ पी डी एज़ तो सी ओ पी डी क्या है इट इज़ क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव पलमरी डिजीज एंड इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पहली ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज द शॉर्ट एक्टिंग ब्रोकोडाइलेटर्स सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म फॉर एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइट्स एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइट्स के लिए कौन से टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं सो दिस इज बोन ट्रेगर टेस्ट या फिर मॉडिफाइड बॉन्ड्रगे टेस्ट ये दो टेस्ट जो हैं वो आपके एंथ्रगिन ग्लाइकोसाइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश प्रोसेस द ऑयल इज कलेक्टेड बाय रपचरिंग द फ्रूट यूजिंग अ डिवाइस हैविंग न्यूमरस पॉइंटेड प्रोजेक्शन विद अ रोटरी मूवमेंट तो ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑयल को कलेक्ट किया जाता है Uh, जो आपके फ्रूट रिन्ट्स uh, होते हैं उनको रप्चर किया जाता है एक ऐसे डिवाइस जिस जिसपे डिफरेंट पॉइंटेड प्रोजेक्शंस रहती हैं एंड रोटरी मूवमेंट के थ्रू जो है वो इसको कलेक्ट uh, किया जाता है तो दिस वन इज यूसले मेथड सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेन आर एबसेंट सो so, टेनिन्स जो है वो प्लांट के किस पार्ट में एबसेंट होते हैं सो दे आर एबसेंट इन रूट्स सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तोलोवालसम बिलोंग्स टू डैश फैमिली तोलोवालसम की फैमिली क्या है सो इट बिलोंग्स टू लेगोमिन फैमिली सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी बिलोंग्स टू डैश फैमिली तुलसी की फैमिली क्या है सो so, तुलसी बिलोंग्स टू लेविएटे फैमिली ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव। जो हैं, दे हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए एन एज जेनेटिक मटेरियल। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वीस वैक्स इज अ प्योरिफाइड वैक्स ऑबटेन फ्रॉम द हनी ऑफ बीज वीस वैक्स जो है, uh, so, है, है ये आपकी प्योर वैक्स है प्योरीफाइड वैक्स है जो कि आपकी बीज का जो हनी हो रहता है उससे ऑप्टेन होती है एंड uh, uh, जो बीज है इसका बोटेनिकल नाम क्या है सो द बोटेनिकल नेम इज़ एपिस मेलीफेरा सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वीस वैक्स बिलोंग्स टू तो डैश फैमिली सो so सोर्स हमने देख लिया इट इज़ एपिस मेलीफेरा एंड फैमिली इज ऐपी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड्स थॉर्न इज द सिनोनीम ऑफ सो गॉड्स थोर्न जो है वो किसका सिनोनीम है सो so, ट्रेगाकांत जो है ट्रेगा कांत को ही गॉड्स थोर्न कहा जाता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेगाक बिलोंग्स टू डैश फैमिली ट्रेगा कांत की फैमिली क्या है सो ट्रेगा कांत बिलोंग्स टू लेगोमिनोसे फैमिली सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोलेट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप ए जेलेटिन लाइज बिटवीन सो टाइप ए जेलेटिन का आइसोलेटिक पॉइंट जो है वो कितने पी एच पे लाई करता है सो इट लाइज बिटवीन पी एच सेवन एंड नाइन सात और नौ के बीच में टाइप ए जेलेटिन का पी एच जो है वो लाई करता है एंड अराउंड फोर पॉइंट सेवन जो है वो आपका टाइप बी का रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर ट्यूबरग्लास नॉन एज तो जो डब्ल्यू एच ओ है डब्ल्यू एच ओ ने टीबो गॉसिस के लिए कौन सी कंट्रोल स्ट्रेटजी रिकमेंड की है दिस स्ट्रेटजी इज डॉट्स थेरेपी दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी इज एच आई वी क्या है एच आई वी इज ह्यूमन वायरस एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंटी वायरस सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जनरल विच फूड आर कंसिडर टू भी हाई इन विटामिन के एंड शुड भी अवॉयडेड इन लार्ज अमाउंट वेन ऑन विन डोज ठीक है जनरली कौन से फूड को कंसीडर किया जाता है टू बी हाई इन विटामिन के एंड इसको अवॉइड करना चाहिए Uh, जब uh, जो पर्सन है वो वॉर्फिन डोज पे होता है सो दिस टाइप ऑफ फूड्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्योंकि ये विटामिन के एंड वॉर्फिन जो है एक दूसरे के इंटागोनिस्ट दैट्स व इनको अवॉइड करना चाहिए सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी कोजेज डैश डिजीज आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो कौन सा डिजीज कोज करती है सो इट कोज गोइटर सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज़ विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है इट कैन लीड टू प्रॉब्लम इन ब्लड कोगुलेशन क्योंकि विटामिन के जो है वो आपके फैक्टर नंबर टू सेवन नाइन एंड टेन इन चार क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो so, अगर विटामिन के डेफिशिएंट हो जाएगा तो दैट कैन रिलेट टू ब्लड कोगुलेशन प्रॉब्लम्स सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इसी के साथ में हमारे आज के फिफ्टी एम सी के क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं अगर आपको इन क्वेश्चन की पी डी एफ चाहिए तो पी डी एफ़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड दिस लिंक विल भी एक्टिव फॉर सेवन डेज़ तो आप पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैंशन करना उस क्वेश्चन को रिव्यू किया जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच